नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। लोकसभा में मतदान के बाद पेश किया गया तीन तलाक से जुड़ा विधेयक। कांग्रेस, आरएसपी और एआईएमआईएम ने बिल के प्रावधानों पर आपत्ति जताते हुए किया विरोध। संसद से मंजूरी के बाद अध्यादेश की जगह लेगा कानून। राज्यसभा से जल्द पारित हो लंबे समय से अटके विधेयक। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदस्यों से मांगा सुझाव। नए सत्र में प्रेरणादायक शुरुआत की अपील। कहा, न्यू इंडिया के निर्माण में उच्च सदन की अहम भूमिका। राज्यसभा में सत्र के दूसरे दिन सदन में उठे कई अहम मुद्दे। बिहार में दिमागी बुखार से बच्चों की मौत पर जताई गई चिंता। श्रीलंका में हुए आतंकी हमले की भी हुई निंदा। 27 गैर सरकारी विधेयक हुए पेश। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर जीएसटी रेट घटाने को लेकर कमेटी करेगी विचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में फैसला। वस्तु और सेवा कर के पंजीकरण के लिए आधार के इस्तेमाल और इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी। और देश दुनिया में उत्साह के साथ मनाया गया पांचवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने योग को जीवन शैली का हिस्सा बनाने पर दिया जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची में योग को बताया शांति, समृद्धि और सद्भाव के लिए जरूरी। तलाक की प्रथा पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने नया विधेयक, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 लोकसभा में पेश किया। 17वीं लोकसभा के गठन के बाद नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये पहला बिल है जिसे केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संसद में पेश किया। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नया बिल संविधान की प्रक्रिया के तहत लाया गया है। देश में तीन तलाक के मामले बढ़ रहे हैं और ये विधेयक महिलाओं को न्याय और अधिकार प्रदान करेगा। 543 केसेस ऑफ ट्रिपल तलाक हैज कम फ्रॉम 2017 इन विच मोर देन 229 इज आफ्टर द जजमेंट। तो क्या करें, ये महिलाएं जजमेंट को अपने घर में टांग लें, इसीलिए डिटरेंस जरूरी है। और मेरे पास दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है जिसने ऑर्डिनेंस को अपहोल्ड किया है और ऑर्डिनेंस के बाद 31 केसेस आए हैं। इसलिए सर, ये इंसाफ का मामला है, इंसानियत का मामला है, इस मुल्क की महिलाओं के लिए इज्जत आबरू का मामला है। इसीलिए हमारी सरकार खड़ी है सर, और इस पर हमारी प्रतिबद्धता है सर। हमको लगता था कि चुनाव में हारने के बाद वो इस बात को समझेंगे कि अब थोड़ा सोचने की जरूरत है। मैं इस बिल को इंट्रोड्यूस करता हूं सर, और सदन से आग्रह करूंगा इसको पास करें। बिल को लेकर कांग्रेस समेत कई दलों ने अवरोध खड़ा किया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि बिल दीवानी और फौजदारी कानून, संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करता है। एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने आपत्ति उठाते हुए विधेयक पर मत विभाजन की मांग की। इफ द पर्पस ऑफ द बिल इज टू एड्रेस the subsequent acts related to triple talaq, the question before us is simple. Is the action of abandoning or deserting a wife and family without responsibility the criminal act, or is the form of desertion, namely doing it by uttering talaq? The bill exceeds the legislative power of the parliament as the subject matter comes under item number 5 of list 3 of schedule 7 of the constitution, that is the subject matter is in the concurrent list number 1. And number 2, the criminalizing a civil wrong done by a particular community, that is Muslim community, alone is discriminatory. That will be violation of article 14, article 15 and article 25 of the constitution. Supreme Court ne judgment diya ki triple talaq ab void hai, yani shadi khatam nahi hoti hai.
जब शादी खत्म नहीं होती है और हमने कानून बनाया है, क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 498 आईपीसी, 125 सीआरपीसी और मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 1986. सो बिकॉज ऑफ दिस योर बिल, प्रपोर्टेड बिल, डज नॉट सेटिस्फाइज इंटेलिजिबल डिफरेंशिया. पिछले लोकसभा में बिल को पारित किया गया था. यह बिल राज्यसभा में पेंडिंग था, लेकिन 16वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया, इसलिए संविधान की प्रक्रियाओं के अनुसार इस बिल को दोबारा लाया गया है. इसकी जगह अध्यादेश लाया गया था. आम चुनाव और 17वीं लोकसभा के गठन के बाद राज्यसभा के पहले सत्र में सभापति एम वेंकैया नायडू ने सभी सदस्यों का स्वागत किया. उन्होंने लोकसभा से पारित और राज्यसभा में लैप्स बिलों और ऊपरी सदन में दशकों से लंबित बिलों को लेकर सदस्यों से सुझाव मांगा ताकि विधेयकों को तेजी से पारित किया जा सके. The expectations are high. Our responsibilities are onerous. We can ill afford to regret over the last opportunities we had. If we fail our people, we fail our nation. We cannot allow this to happen. We need to reassure each citizen that we can bring about a distinct change and that change shall begin with each political party and each member of this house. Honorable members, through carefully considered and expeditious disposal of business is the touchstone of our efficiency. In this context, I would like to mention a few issues that seems to be impending speedy passing of bills. And I want you people to ponder over this, not now, but across the country, hold consultations. The bills passed by the Lok Sabha and pending in the Rajya Sabha lapse with the dissolution of the House of the People. They have to be reintroduced in Lok Sabha and the entire process has to be gone through afresh. This means a lot of delay. Can we make any change in this regard? Well, just a suggestion. The House of Parliament seems to lose a lot of time in disruptive expression of adversary position. Can we change this approach and improve the quality of debates and make decision making a little quicker than now? Third, quite a few bills are pending in Rajya Sabha for decades without required consideration. Should we continue them or treat them as lapsed? Let me elaborate on each one of them and suggest we collectively only think of feasible solutions to each one of them. सभापति एम वेंकैया नायडू ने व्यवधानों के कारण राज्यसभा में कामकाज नहीं होने पर चिंता जताई. सभापति ने सभी सांसदों से इस सत्र के साथ एक प्रेरणादायक नई शुरुआत करने की अपील की. उन्होंने कहा कि 2022 तक न्यू इंडिया बनाने में संसद की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है. सभी को इस विकास में भागीदार होना चाहिए. The mission before all of us now is to clear all the cobwebs and remove hurdles that come in the way of rapid socio-economic transformation of our country. To realize this vaulting aspiration of our people, cutting across the boundaries of caste, creed, region and religion, parliamentarians need to redefine and recalibrate their ways of thinking and acting and have to make a clear break from the past. We have to be more agile, forward-looking and capitalize on our collective wisdom. Niti Aayog and the government have come out with a vision and a set of goals for 2022. Our parliament over the next few years has a crucial role to play in making of a new India by 2022 in which we all can take pride. As the Vice President of India, the Chairman of this august house and an individual with some years of experience in public life, I fervently appeal to all parliamentarians to make an inspiring fresh start beginning with this session. राज्यसभा में आज सदस्यों ने कई अहम मुद्दे उठाए. बिहार में दिमागी बुखार का मुद्दा उठा. शून्यकाल के दौरान सीपीआई केरल के सांसद विनोय विश्वम ने यह मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि पीड़ित गरीब परिवार से आते हैं, सरकार डॉक्टरों की फौज प्रभावित इलाकों में भेज रही है, लेकिन हालात पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है. We all know what has happened in Bihar. The exact number of children who were killed in Bihar is not known. They are dying every day. In a day and night they are dying. And the government is calling that it's an accidental death. No, sir. In fact, it should be called as a murder of the poor children. The children from poor backgrounds, the sons and daughters of the peasants, poor peasants, the workers, the toilers, they are being killed, sir. Till now, official documents say that 130 of them have died.
130. And some reports say it's 183. Let us not take the number without official. Sir, the government is telling that they have deployed battalions of daughters to Bihar. What will they do, sir, there? Daughters in big number can't solve the problem. Sir, the hospitals, they have no medicine, no infrastructure. Nobody take care for them. वहीं राज्यसभा में दिमागी बुखार से हुए बच्चों की मौत को लेकर मौन रखा गया। राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सदन की संवेदनाएं पीड़ित परिजनों के साथ हैं। ऑनरेबल मेंबर्स, वी हैव द न्यूज़ ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाइंग इन स्टेट ऑफ बिहार एंड द हाउस कंडोज the death of these helpless children also. We'll stand for a minute silence to pray for the recovery of those children who lost their lives. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुद्दों को संभालने के लिए सक्षम है। टी के रंगराजन के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने ये बात सदन में बताई। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका के साथ संबंध जारी रखेगा, लेकिन राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। पीयूष गोयल ने कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो की आगामी भारत यात्रा के दौरान कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फॉर सर्टेन सिक्योरिटी रीजंस पुट ड्यूटीज ऑन मेनी कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द यूरोपियन यूनियन इंक्लूडिंग चाइना इंक्लूडिंग इंडिया। दिस इज trade negotiating processes which happen all the time. During that process they also put it on India. India has put some retaliatory tariffs. Obviously negotiations is an ongoing process. The US government is going to be in talks with us. We are going to be in talks with them. Both right. sides have certain requests which are a continuous ongoing process. The representatives of the US will be coming later during the month, and I'm sure there'll be several discussions. You might have also read the reports. The US State Department has also come out with a statement that they are eagerly looking forward to the visit of Mr. Right, thank you. Question number 4. Rajyasabha mein New Zealand ke Christchurch aur Sri Lanka mein hue aatanki hamle mein mare gaye logo ko shradhanjali di gayi. Sabhapati M. Venkaiah Naidu ne hamle ka zikr karte hue kaha ki in hamlon mein kai nirdosh log mare gaye. ये सदन इन आतंकी हमलों की कड़ी निंदा करता है। साथ ही सभापति ने आतंकवाद के संकट से निपटने के लिए भारत के संकल्प को दोहराया। उन्होंने वैश्विक समुदाय से भी आतंकवाद को खत्म करने की अपील की। 50 persons including 5 Indians were killed and several others injured when a gunman opened fire at Dean's Avenue Mosque and Linwood Avenue Mosque in a Christchurch in New Zealand on the 15th of March 2019. In another tragic incident, more than 250 persons, including 10 Indians, were killed and around 500 were injured in a series of terrorist suicide bombings targeting churches and hotels in Colombo and its outskirts in our neighboring Sri Lanka on the 21st of April 2019. The loss of precious lives and injury to helpless these helpless people in these heinous, senseless, outrageous acts of violence is deplorable and deserve to be condemned in the strongest terms possible. To fight terrorism with determination, we reiterate our call to the global community to unitedly combat and eliminate the scourge of terrorism from the world. तेलुगु देशम पार्टी के दो राज्यसभा सांसद और लोकसभा के तीन सांसदों ने आज राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की। उन्होंने पार्टी के चार सांसदों के बीजेपी में शामिल होने के प्रस्ताव को चुनौती दी है। राज्यसभा में टीडीपी के 6 में से 4 सांसदों ने कल राज्यसभा के सभापति से मुलाकात कर बीजेपी में शामिल होने का प्रस्ताव सौंपा था।
केंद्र में नई सरकार के गठन के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में जीएसटी परिषद की आज पहली बैठक दिल्ली में हुई। इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के वित्त मंत्री और प्रतिनिधि शामिल हुए। आज की बैठक में कई जीएसटी नियमों को मंजूरी दी गई। इसके अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स घटाने के मामले को फिटमेंट कमेटी के पास भेज दिया गया। ये कमेटी ईवी पर जीएसटी में कमी पर फैसला करेगी। जीएसटी काउंसिल ने ई इनवॉइसिंग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया गया है। लॉटरी पर एक समान टैक्स रेट तय करने और सिंगल पॉइंट रिफंड सिस्टम और ई चालान जारी करने के लिए कंपनियों के लिए समान व्यवस्था बनाने पर फैसला होने की उम्मीद है। I was quite happy that the environment was very conducive, good, meaningful discussions happened, absolutely to the point discussions, and across the board there seemed to be a very solid understanding on the issues related to the GST. It was such a very heartening experience to be here. GST rate on sale of electric vehicles from the current 12% to 5%. And also the GST rate on the electric chargers, where the leasing of electric vehicles, so reducing rate on that GST on the leasing of the electric vehicles. So all these three proposals have been sent to the Fitment Committee. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोगों की अपेक्षाएं पूरी करने में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सहयोग मांगा है। आज नई दिल्ली में राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व विचार विमर्श में उन्होंने लक्ष्य पूरा करने में केंद्र की ओर से पूरे सहयोग का भरोसा दिलाया। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य और केंद्र के पूरे समन्वय के बिना तय लक्ष्य पूरे नहीं हो सकते। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए केंद्रीय बजट 5 जुलाई को लोकसभा में पेश किया जाएगा। और अब खबर बजट से जुड़ी खास कवरेज की। पिछले 1.5 सालों में भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में कई क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। नतीजा ये हुआ है कि अब इस क्षेत्र में ज्यादा पारदर्शिता है और ये पहले से ज्यादा संगठित है। लेकिन अब भी रियल एस्टेट क्षेत्र में कई समस्याएं हैं, जैसे घर बने हुए हैं लेकिन उन्हें खरीदने वाले नहीं, घर बनाने की लागत भी आसमान छू रही है। ऐसे में आइए देखते हैं सेक्टर की बजट से क्या उम्मीदें हैं। सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर में रेरा एंड जीएसटी जैसे प्रावधानों को लाकर इसका कायाकल्प ही कर दिया है। अब ये पहले से ज्यादा पारदर्शी और संगठित हो गया है। सरकार चाहती है कि 2022 तक सबके पास घर हो। इस लक्ष्य ने सस्ते और कम बजट में आने वाले घरों की ओर बिल्डरों का ध्यान आकर्षित किया है। अब इस सेक्टर की मांग है कि सभी प्रदेशों में रेरा को लेकर समानता हो, रियल एस्टेट को उद्योग का दर्जा मिले, सभी तरह की अनुमतियों के लिए सिंगल विंडो हो और बाजार में बनावटी रूप से दामों के उछाल पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाए जाएं। Programs at the macro level have really helped in the last 5 years and now I think they will become even more realistic. So price of properties will stabilize and come down probably in most of the unrealistic places. Maybe property will become a little bit more affordable now in the coming time. अपने अंतरिम बजट में सरकार ने इस सेक्टर के लिए कई उपाय किए थे, जैसे किराए न मिलने वाली रकम पर लगने वाले टैक्स पर TDS की सीमा का निर्धारण, कैपिटल गेन टैक्स में छूट और घर कर्ज पर मिलने वाले टैक्स में छूट की सीमा को बढ़ाना। घर खरीदने के इच्छुक लोग चाहते हैं कि सरकार इन प्रावधानों को आगामी बजट में भी जारी रखे। लोन लेता है, लोन मिल भी जाता है, टैक्स भी ज्यादा टैक्स भी लेता है उनसे, उनको कुछ फायदा भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता उनसे। इसलिए मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट सुपरिश करता हूँ उनके टैक्स रिलैक्सेशन कर दिया जाए, उनके सुविधा दिया जाए टैक्स के लिए। भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उस रफ्तार से साल 2040 तक ये 5 गुना बढ़कर $650 बिलियन का उद्योग बन जाएगा और देश में रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा जरिया होगा। साथ ही GDP में इसका योगदान बढ़कर 13% तक हो जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में गिना जा रहा है
और रियल एस्टेट सेक्टर इस तेजी का एक बड़ा जरिया बन सकता है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। ब्रिटिश हेराल्ड के पोल में पाठकों ने दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर 25 शख्सियतों में 4 का चुनाव किया है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 18.1% लोगों ने उन्हें वोट किया है और वो चौथे स्थान पर रहे। तीसरे स्थान पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया है, उन्हें 21.9% वोट मिले। 29.9% वोट के साथ दूसरे स्थान पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रहे। ब्रिटिश हेराल्ड के पोल में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साल 2019 में दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स चुना गया। सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी को सबसे ज्यादा 30.9% वोट मिले हैं। इस पोल में दुनिया के अन्य ताकतवर नेताओं को शामिल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर ब्रिटिश हेराल्ड मैगजीन के जुलाई संस्करण के कवर पेज पर प्रकाशित की जाएगी, जो 15 जुलाई को रिलीज होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री का जापान दौरा 27 से 29 जून के बीच होगा। प्रधानमंत्री के G20 सम्मेलन में शामिल होने के बारे में आज विदेश मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया कि यह छठा मौका होगा जब प्रधानमंत्री मोदी G20 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और सुरेश प्रभु G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री के शेरपा होंगे। प्रधानमंत्री G20 की बैठक में आतंकवाद के मुद्दे को प्रमुखता से उठाएंगे। इसके अलावा ऊर्जा, वैश्विक वित्त स्थिरता, जलवायु परिवर्तन और बहुपक्षीय संगठनात्मक सुधार के मुद्दे पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री की जापान यात्रा के दौरान कई द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी। जापान के ओसाका शहर में 27 से 29 जून के बीच G20 सम्मेलन का आयोजन होना है। और अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से जुड़ी खबरें। देश और दुनिया में आज 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राजधानी दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, गुजरात, असम, तमिलनाडु, सिक्किम और देश के सभी राज्यों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। दुर्गम स्थानों में भी लोगों का योग के लिए जोश देखने लायक था। 5वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर झारखंड की राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां 35,000 से ज्यादा लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के बदलते हुए समय में बेहतर जीवन शैली पर हमारा फोकस होना जरूरी है। समय में इलनेस से बचाव के साथ साथ वेलनेस पर हमारा अधिक फोकस होना जरूरी है। यही शक्ति हमें योग से मिलती है, यही भावना योग की है, पुरातन भारतीय दर्शन की भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग अनुशासन है, समर्पण है और इसका पालन पूरे जीवन भर करना होता है। योग आयु, रंग, जाति, संप्रदाय, मत, पंथ, अमीरी गरीबी, प्रांत और सरहद के भेद से परे है। राष्ट्रपति भवन में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। यहां पर राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने योग शिविर में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 5वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने योग को जीवन शैली का हिस्सा बनाने पर जोर दिया। यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह योग को हमारे जीवन का अभिन्न अंग बनाने का तरीका है।
इस तरह के आयोजनों के माध्यम से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर करने के लिए योग को समाज के हर स्तर के लोगों में तथा भिन्न भिन्न आयु समूहों में लोकप्रिय बनाया जा सकता। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू दिल्ली के लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। उन्होंने योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने पर जोर दिया। मातम किरणों की बरसात हो रही है। इट्स ए होलिस्टिक डिसिप्लिन व्हिच लीड्स टू ए हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड, रोबस्ट बॉडी एंड कंप्लीट वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल। Yoga also means union of spirit and matter, thought and action, man and nature. A true yogi develops harmonious relationship with the self, others and the environment that form foundation of healthy societies and a healthy planet. Yoga is a way of life that entitles simplicity, honesty, compassion, and respect for all creatures and natures. It is a lifestyle based on non-violence at every level, in thought, feelings, words, and action. Yoga advocates to the extent that we reduce the external paraphernalia in our life and even clear away the clutter of our mind, the more we will be able to concentrate, the we find inner peace. संसद भवन में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने योग शिविर का आयोजन किया गया। लोकसभा के नव निर्वाचित स्पीकर ओम बिरला ने संसद भवन में योग कार्यक्रम में शिरकत की और योग किया। इस मौके पर लोकसभा की महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव ने भी योग किया। वहीं सांसदों, अधिकारियों, कर्मचारियों ने भी योग में हिस्सा लिया और योग किया। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संपूर्ण देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से आज पूरे देश में, पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना है। शरीर को स्वस्थ रखना है तो योग की प्रयास, सूक्ष्म व्यायाम जरूरी है और मुझे आशा है कि आज संपूर्ण देश ने, पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग पर नियमित रूप से, रोजाना, केवल आज नहीं, नियमित रूप से योग सूक्ष्म व्यायाम करेगा ताकि हर व्यक्ति स्वस्थ रहे। और इन खबरों के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।